और मध्य प्रदेश इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 144 उम्मीदवारों का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी हो चुकी है। कांग्रेस ने पहली सूची में 144 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कई दिग्गजों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। पहली सूची में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 144 उम्मीदवार कांग्रेस ने मैदान में उतारे हैं। तो कांग्रेस की पहली सूची अब जारी हो चुकी है। लंबे समय से कांग्रेस की सूची का इंतजार हो रहा था, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। तो बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। और भांडेर से फूल सिंह बरैया को, नरियाबाली से सुरेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर बात की जाए ग्वालियर ग्रामीण से, तो ग्वालियर ग्रामीण से साहब सिंह गुर्जर को मिला है टिकट। इसके अलावा ग्वालियर पूर्व से सिटिंग एमएलए सतीश शिकरबार को टिकट मिला है। बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण ग्वालियर से अगर बात की जाए तो प्रवीण पाठक जो कि सिटिंग एमएलए है उनको टिकट दिया गया है। और दतिया से अवधेश नायक को टिकट मिला है। और वहीं अगर शिवपुरी की बात की जाए तो शिवपुरी से केपी सिंह को टिकट मिला है। और पिछौर से शैलेंद्र सिंह को टिकट मिला है। पार्टी ने शैलेंद्र सिंह पर भरोसा जताया है। कोलारस की अगर बात की जाए तो वहां से वैजनाथ यादव को टिकट मिला हुआ है। और अशोकनगर से हरिबाबू राय को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। टीकमगढ़ से यादवेंद्र सिंह को टिकट मिला है, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। और ये पूरी लिस्ट देखिए किस प्रकार से 144 नामों का की ये सूची है। और टीकमगढ़ से यादवेंद्र सिंह को टिकट मिला है। छतरपुर से आलोक चतुर्वेदी जो कि सिटिंग एमएलए है उन्हीं पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है। पवई से मुकेश नायक को टिकट मिला है, उन पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। और बता दें कि चित्रकूट से नीलांशु चतुर्वेदी को टिकट मिला है, उनको भी चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट मिला है। और ये देखिए एक के बाद एक सूची हम आपको बताते जा रहे हैं। मऊगंज से सुखेंद्र सिंह को मिला है टिकट, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। और सिंगरौली से रेणु शाह को टिकट मिला है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, चुनावी समर में उतारा है। अनूपपुर की अगर बात करें तो रमेश सिंह को टिकट मिला है, पार्टी ने उनको चुनावी समर में उतारा है। जबलपुर उत्तर से विनय सक्सेना को टिकट मिला है, ये बड़ा नाम माना जाता है। और जबलपुर पश्चिम से तरुण भनौत को टिकट दिया गया है, ये भी कांग्रेस पार्टी में बड़ा नाम माना जाता है। सहौरा से एकता ठाकुर को टिकट मिला है। तो एक के बाद ये एक हम आपको नाम बताते जा रहे हैं। शाहपुरा से भूपेंद्र मरावी को टिकट मिला है, एसटी सीट है ये, इसलिए भूपेंद्र मरावी को चुनावी मैदान में उतारा है। बालाघाट से अनुभा मंजारे को टिकट मिला है, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। नरसिंहपुर से लखन सिंह पटेल को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर आप मध्य प्रदेश से, छिंदवाड़ा से कमलनाथ को टिकट मिला है। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा से पार्टी ने चुनावी समर में उतारा है। बैतूल से निलय डांगा को टिकट मिला है, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हरदा से रामकिशोर को टिकट मिला है, ये बड़े नाम माने जाते हैं। और विदिशा से देखिए शशांक भार्गव को फिर से टिकट दिया गया है, कांग्रेस पार्टी ने शशांक भार्गव पे को उम्मीदवार बनाया है। बसौदा की अगर बात करें तो निशांक जैन को टिकट मिला है, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। नरेला से मनोज शुक्ल को चुनावी मैदान में उतारा है, विश्वास सारंग के खिलाफ में ये चुनाव लड़ेंगे। बैरसिया से जयश्री हरि किरण को टिकट मिला है, ये बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी में। और भोपाल के जो सिटिंग एमएलए है, भोपाल से आरिफ मसूद को टिकट मिला है, आरिफ मसूद अभी फिलहाल सिटिंग एमएलए है। बुधनी से विक्रम मस्तल को टिकट मिला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में बुधनी से लड़ेंगे। सीहोर से शशांक सक्सेना को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से राजगढ़ से बापू सिंह तंबर को टिकट मिला हुआ है। और अगर शाजापुर की बात की जाए तो शाजापुर से हुकुम सिंह को टिकट मिला है, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। खरगोन से रवि जोशी को टिकट मिला है, रवि जोशी बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। और राजपुर की अगर बात की जाए तो राजपुर से बाला बच्चन को टिकट मिला है, बाला बच्चन जो है पूर्व गृह मंत्री है। इंदौर एक से संजय शुक्ल को टिकट मिला है, संजय शुक्ल भी कांग्रेस पार्टी में बड़ा नाम है। इंदौर दो से चिंतामणि चौकसी को टिकट मिला है। और अगर नागदा की बात की जाए तो नागदा से दिलीप सिंह को टिकट मिला है, उनको चुनावी समर में उतारा है। उज्जैन उत्तर से माया राजेश त्रिवेदी को उम्मीदवार बनाया गया है। मंदसौर से विपिन जैन को टिकट मिला है, और ये तमाम नाम है। और कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की पहली सूची है, इसमें 144 उम्मीदवारों का नाम है। ये पहली सूची जारी हो चुकी है। पहली सूची में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144 उम्मीदवारों का ऐलान किया है।